हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमया सृष्टि। तो आज हम बनाने वाले हैं सिजवान सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिजवान सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम सूखे लाल मिर्च। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च को पानी में भिगो देंगे। तो इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे। मिर्ची को हम फूलने के लिए आधे घंटे पानी में छोड़ देंगे। आधे घंटा बाद हम देखेंगे मिर्ची जो है वो फूल गया है, ये देखिए। अब मिर्ची को हम पानी से निकाल देंगे। अब इस मिर्ची को हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा चिली पेस्ट तैयार है, ये देखिए। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे हम गैस पे एक कढ़ाई रखे हैं। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे आधा कप बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ और अदरक। अदरक और लहसुन को हम एक मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। लहसुन और अदरक थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और फिर हम ये चिली का पेस्ट डाल देंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिक्स कर दें इसे। अब इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। पाँच से सात मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच चीनी और 1.5 छोटी चम्मच नमक। एक बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1 बड़े चम्मच सोया सॉस और 1.5 चम्मच विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। दो मिनट बाद ये सॉस तैयार है, ये देखिए। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये सॉस ठंडा हो गई है और ये थिक भी हो गई है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सिजवान सॉस रेडी हो चुका है। तो आप इसे जार में भर के कम 1 महीना तक यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।